दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल बादशाह प्रॉपर्टीज़ पे। दोस्तों हर बार की तरह आज भी आपको एक शानदार सा घर दिखाने लाए हैं और आज की जो लोकेशन है बिल्कुल मोहाली के बीचों बीच एक डेवलप्ड एरिया ऑलमोस्ट सेक्टर 77 मोहाली। जी हाँ बिल्कुल। और आपके सामने घर जो आप देख रहे हो 125 गज का घर है, ये डबल स्टोरी है। ऊपर थर्ड जो सेकेंड फ्लोर है वहाँ पर आपको जो मम्टी भी आपको नज़र आ रही होगी। और इस घर के सिर्फ एक प्लॉट छोड़ते ही हमारे साथ एक पार्क भी आ जाता है, तो आपके सामने बिल्कुल ग्रीनरी है। आपको एफर्टलेस आपका रोज़ मन करेगा सुबह सुबह उठ कर जॉगिंग के लिए या फिर पार्क की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे फिर आपको जो लाइफ है थोड़ी सी और बढ़ेगी ज़रूर यहाँ पर आपकी। और दोस्तों मेरे घर के पीछे जो है बिल्कुल आपकी मेन रोड है, और बहुत से हमारे दोस्तों को थोड़ी सी शिकायत होती है कि मेन रोड से कितना दूर है, तो आपकी रोड यहाँ से बिल्कुल सामने है, नज़र आपको आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों आज का जो घर है इसका फ्रंट जो रहेगा 23 रहेगा और डेप्थ जो रहेगी वो 48 रहेगी। सामने की तरफ मेरे पास यहाँ पर एक गाड़ी की पार्किंग है जहाँ पे अभी टू व्हीलर अभी आपके ऑलरेडी खड़े हुए हैं इंजन लेस विदाउट मोटर के। और एक गाड़ी आपकी जो है सिडान वो इजीली अंदर आ सकती है। दोस्तों थोड़ा सा काम घर में रह गया है, बाकी तकरीबन सारा रेडी है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग वाला काम है। ये आपकी एक सिडान गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी। और पार्किंग में हमारे पास नीचे जितना एरिया वो सारा आपका जो है बिल्कुल प्रॉपर एक अच्छे तरीके के साथ पूरा बनाया गया है। भाई सारा आपका ग्रेनाइट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और मेरी जो वॉल्स हैं आउटर वॉल्स सामने की तरफ पूरा का पूरा टाइल वर्क है नीचे से लेके ऊपर, एक मॉडर्न डिज़ाइन के साथ है घर, खास शानदार। इसकी लुक ही बाहर से इतनी प्यारी है यार के दिल यहीं पे मोह जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अंदर की तरफ, हमारे दोस्त काम करना चाहते हैं, इनको डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों घर के जो मेन एंट्रेंस डोर है वो बहुत ही शानदार है, बड़ा स्मूथ सा है बिल्कुल सरफेस इसका, बहुत प्यार से बनाया गया है। इसमें बिल्कुल टीक वुड आपकी सारी लगी हुई है, पॉलिश की गई है यहाँ पर, और एक ख़ास डिज़ाइन के साथ इसे तैयार किया गया है। बिल्कुल 8 फीट की हाइट इसकी रहेगी और काफ़ी अच्छी विड्थ है, इजीली आपका जो हैवी सोफ़ा होता है या कोई फर्नीचर है इजीली यहाँ पर आएगा। और घर का मेन डोर अगर बड़ा सा हो यार दिल खुश होता है, जब कोई मेहमान घर में आता है एक अच्छा एहसास आता है उनको भी कि हाँ एक शानदार से घर में आए हैं, किसी एक अच्छे घर के अंदर आए हैं। और दोस्तों थोड़ा सा आगे अंदर आते तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। जी हाँ, और ड्राइंग और डाइनिंग एरिया की मैं बात करूँ तो नीचे अपना सब दोस्तों इस घर के अंदर जितनी भी फ्लोरिंग है सारी आपकी कटनी मार्बल के साथ है, काफ़ी शानदार सी है। अच्छा मार्बल यहाँ पर बिछाया गया है, उस सीलिंग पर आपका बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, हर रूम के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन आपको मिलेगा यहाँ पर। देखिए सीलिंग पर भी जो आपका ना बिल्कुल वुडन का टेक्सचर दिया गया यहाँ पर, तो एक अलग ही लुक यहाँ पर आती है निकल के अपने घर की, एक शानदार सी लुक, एक बड़ा शाही सा अंदाज हमें अपने घर के अंदर मिलता है यहाँ पर। तो दोस्तों जो हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है इसकी जो लेंथ रहेगी वो 21 फीट की रहेगी और जो विड्थ है वो आपकी 13 फीट की रहेगी। तो काफ़ी अच्छा साइज़ है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पर, और घर के जितने भी दरवाजे खिड़कियाँ सब जो आपकी जो टीक वुड की रहेंगी यहाँ पर। और मेन एंट्रेंस पे आपको एक ये डिज़ाइन बड़ा ही शानदार सा खूबसूरत सा डिज़ाइन पॉलिश किया गया क्लास के साथ। और इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और है, हमारे पास यहाँ पर जो है हमारा एक कॉमन वॉशरूम है, सो दैट कि आपके जो गेस्ट हैं उन्हें हर बार आपके बेडरूम से होकर ना जाना पड़े। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर, हमें ग्राउंड फ्लोर पे हमें 2 वॉशरूम मिल जाते हैं, एक एक्स्ट्रा वॉशरूम मिल जाता है जो हम कभी भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में हमारे पास स्टेयर्स है, स्टेयर्स के नीचे आपके पास काफ़ी अच्छी स्पेस है, इजीली आप स्टोरेज यहाँ पे कर सकते हैं, इन्वर्टर वगैरह जो अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, छोटा सा स्टोर बनाना चाहते हो हम बना सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी किचन की तरफ, और किचन का डिज़ाइन देखिए बिल्कुल शानदार सा किचन, यू शेप के अंदर किचन है हमारी। और स्पेस की बात करूँ तो यार वाकई बड़ी लाजवाब सी स्पेस है यहाँ पर हमारे पास, आपकी बिल्कुल 12.5 फीट की इसकी जो रहेगी विड्थ रहेगी लेंथ रहेगी और 8.5 फीट की इसकी विड्थ रहेगी, तो काफ़ी अच्छी स्पेस है यार यहाँ पे। और अगर देखा जाए देखिए ग्रेनाइट भी बड़ा प्यारा सा लगाया गया है, ग्रेनाइट के साथ हमारी जो मिलती जुलती आपकी जो है साइड पे टाइल्स लगाई गई हैं, कॉन्ट्रास्ट के अंदर एक अच्छा कलर दिया गया। आप देखिए यहाँ पर ग्रे है ऊपर वाइट है, सेम कलर काफ़ी अच्छा ऊपर नीचे बिल्कुल सेम सा दिया गया है, ताकि एक लुक जो है वो बड़ी अच्छी सी आनी चाहिए।
और किचन में भी जो आपके ऊपर सीलिंग है पूरा डिजाइन दिया गया यहाँ पर, या सिंपल नहीं छोड़ दी। और मैं किचन की अगर कैबिनेट्स की बात करूँ तो यहाँ कैबिनेट्स ही कैबिनेट्स हैं आपके पास, आपका कोई भी सामान बाहर नहीं रहेगा। यूजली होता है क्या, लेडीज में प्रॉब्लम आती है जो घर के अंदर छोटे से कैबिनेट बने होते हैं, थोड़े से कैबिनेट्स होते हैं, उसके बाद सारा सामान बाहर ही रह जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास चारों तरफ कैबिनेट्स ही कैबिनेट्स हैं, आपको यहाँ कोई दिक्कत आएगी नहीं कि आपका सामान कितना अंदर कितना बाहर, नहीं, सब कुछ अंदर। दोस्तों सिंक काफ़ी प्यारा सा है, बिल्कुल डीप सिंक है, काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है, सारी चीज़ें ब्रांडेड हमें यहाँ पर मिलने वाली हैं विद गारंटी। और यहाँ पर हमारी विंडो आ जाती है जो कि बड़ा एक अहम रोल करती है हमारी किचन के अंदर। आप चिमनी लगाएं, एग्जॉस्ट लगाएं, लेकिन अगर आपके पास विंडो अच्छी हो तो आपका आधे से ज़्यादा काम तो आपके ये कर दिए, एक नेचुरल लाइट, और सेकंड जो आपका जो अंदर धुआं या कुछ भी होता है हम बनाते हैं वो सब बाहर चला जाता है आराम से। कैबिनेट्स हमारे पास ऊपर भी सारे रहेंगे, सारे डबल लेमिनेशन रहेगी, बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। प्रॉपर हमें फ्रिज के लिए यहाँ पर स्पेस मिलती है, कुल मिलाकर एक कंप्लीट प्रॉपर किचन हमें यहाँ मिल जाती है। इसे कहते हैं जो घर बनाया है दिल से बनाया है, अपने लिए बनाया है, अपने लोगों के लिए बनाया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। यहाँ पर भी जो हमारा मेन एंट्रेंस डोर है बेडरूम का, वो आपका 8 फीट का रहेगा, बिल्कुल हैवी, कहीं पे भी कोई हल्का माल कहीं हमें नज़र नहीं आएगा घर के अंदर। और ये बड़ा सा हमारा बेडरूम, जी हाँ, शानदार सा बेडरूम, सीलिंग पर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन, सीलिंग के साथ हमारे साथ अटैच, सॉरी, जो हमारे जो वार्डरोब्स हैं वो बिल्कुल हमें पूरी सीलिंग तक ही मिलेंगी। यहाँ पर पॉलिश की गई है, काफ़ी अच्छा ग्लॉसी के अंदर लुक हमें दे रही है, एक प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ पर। और दोस्तों बता दो आपको, जो बेडरूम है हमारा 13x12 के रहेंगे, और ये उसके अंदर हम नहीं इंक्लूड कर रहे, इसके साथ हमारा ये अराउंड जो है 14x13 का हो जाएगा। तो 13x12 का अगर हमें जो स्पेस यूज़ करने के लिए मिल रही है वो वाकई बड़ी शानदार है, बिल्कुल डीप है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी स्पेस, सारे डबल लेमिनेशन है ऊपर नीचे हर जगह पर, ड्रॉर्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं प्रॉपर, नीचे हमें शू रैक मिल जाता है, और साथ में हमारे पास जो है ड्रेसिंग एरिया भी मिल जाता है यहाँ पर, नीचे भी हमारे पास स्टोरेज है यहाँ पर। और बिल्कुल सामने आपके बेड के जो है एक टीवी पैनल, जो कि आप साइज़ देखिए कितना बड़ा है यार, बिल्कुल दोनों तरफ मेरी हाइट से आता है, मेरी हाइट से भी ऊपर है। तो एक बड़ा सा टीवी यहाँ पर लगाइए, एक शाही अंदाज के अंदर अपने घर के अंदर रहिए, मज़ा लीजिए अपने घर का। और सारा काम जितना भी है वुडन का किया है, पॉलिश से किया है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको सारी जगह पर जो है सरमाइका चिपका कर छोड़ दिया गया हो, एक अच्छे से डिज़ाइन आपको दिए गए हैं हर पूरी चीज़ के अंदर। ड्रॉर्स हमें यहाँ पूरे मिलेंगे ऊपर नीचे, ये बड़ी एक ख़ास चीज़ है, जब हमें वुडन वर्क जो होता है कम्प्लीट प्रॉपर वे में मिलता है ना तो दिल खुश होता है, वहाँ पर लगता है कि अगर यार 4 पैसा ज़्यादा भी लगता ना दे दो यार, एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है हमारे अपने लिए, हमारी फैमिली के लिए। और दोस्तों वॉशरूम हमें यहाँ अटैच मिलेगा, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा साइज़ है, 8x6 का हमें वॉशरूम यहाँ मिल जाता है। और डिज़ाइनर पूरा, आप टाइल्स की कल बात करें या सैनिटरी की बात करें, फिटिंग्स की बात करें, तो यार वाकई हर चीज़ बिल्कुल डिज़ाइनर है, एक अलग चीज़, अनोखा पूरा जैगुआर फिटिंग। आप देखिए सिंक को ही देख लीजिए, एक खास डिज़ाइन के साथ है, यहाँ पर भी आपको पूरे जो ड्रॉर्स हैं पूरे मिलते हैं, तो मतलब कि आपके जो शाही अंदाज है ना रहने का उसमें कोई कमी नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ हमें पूरी मिलती है। आपका अपना घर है, दिल से बना है, आप भी जब यहाँ पर आओगे तो दिल से आप इस घर के अंदर आएंगे। तो सब बेडरूम के साथ हमारे पास विंडो है, विंडो हमारी 8 फीट की रहेगी, बिल्कुल दरवाजे के हाइट की। और दोस्तों यहाँ पर हमारा वॉशिंग एरिया, देखिए दोस्तों बाहर कितनी अच्छी धूप है, और हमने जितने भी यहाँ पे खिड़कियाँ हैं उस पर सब पे थोड़े से डार्क ग्लासेस किए हैं, ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट है ना वो कई बार हमें परेशान करती है अंदर, जो एसी के यूनिट्स हैं वो बहुत घुमा देती है, बिजली के यूनिट्स, तो उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल रखती है, क्योंकि इंडिया में सनलाइट की कोई कमी नहीं होती, तो हल्का सा हमने डार्क कर दिया। और देखिए स्पेस कितनी अच्छी है, इजीली आप वॉशिंग मशीन यहाँ रखना चाहते हैं, वहाँ रखना चाहते हैं, टैप्स की आपको प्रोविज़न यहाँ भी मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप इजीली कहीं पर भी रखिए।
क्लोदिंग वॉशिंग तकरीबन आपका यहीं पे काम हो जाएगा। जो कि ये लोकेशन आपकी बिल्कुल रोड के पास है, तो यहाँ से कोई भी चीज़ दूर नहीं है, एक्सेस करना कुछ भी चीज़ को मुश्किल नहीं है यहाँ से। अब देखिए अंदर आए हैं तो बाहर इतनी अच्छी बहुत ही ब्राइट सनलाइट थी, तो अंदर हमें बड़ा माइल्ड सा लोके माहौल है, ठंडा सा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम ऊपर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेज दोस्तों हमारी बिल्कुल ग्रेनाइट में है, बड़ा ही शानदार सा शाइनिंग करता हुआ ग्रेनाइट पूरा, और जो हमारी रेलिंग है वो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील की है। तो स्टेज हमारे घर में अंदर की तरफ से तो हमें जो स्पेस है वो पूरी मिलती है हर जगह पर। और देखिए यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्पेस छोड़ी गई है, वो इसलिए ताकि आपकी वेंटिलेशन जो है ना पूरे घर के अंदर वो पूरी अच्छे से बनी रहे। यहाँ पर भी स्टेज आपकी ऊपर तक जाती है, तो पहले हम बेडरूम की तरफ होके चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे घर का सेकेंड बेडरूम, मास्टर बेडरूम, 14 फीट का है ये, बिल्कुल प्रॉपर 14x12 आपकी काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पर। और सीलिंग पर जो डिज़ाइन है यहाँ पर भी पूरा का पूरा दिया गया है, प्रॉपर वे से आपको डिज़ाइन हर जगह मिलेगा यहाँ पर। ओके, बेड आप किस जगह पर लगाना चाहते हो, इजीली हर जगह पर आपका बेड यहाँ पर लग सकता है। आप लगाइए चाहे हम यहाँ पर अपना बेड फिट कर सकते हैं, दोनों तरफ हमारे पास पॉइंट्स हैं और हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खिड़की हमारे बिल्कुल सामने की तरफ है और जहाँ से आपको बाहर का व्यू पूरा आता है बिल्कुल सामने हमारे जो है मेन रोड है हमारी। और यहाँ पर हमारे पास हमारा टीवी पैनल विद स्टोरेज, स्टोरेज की आप देखिए क्या बात है, स्टोरेज है यहाँ पर। तो रूम का साइज़ ऐसा है कि आप अगर एक तरफ बेड लगाते हो, दूसरी तरफ आप इजीली जो है अपना स्टडी टेबल वो लगा सकते हो। यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छी है, आप मान लीजिए यहाँ पर हमारा बेड लगा है 6x6 का, सामने की तरफ हमारा टीवी पैनल है, तो हम यहाँ पर जो है इस लोकेशन में इतना सा अपना जो है वो स्टडी टेबल ईजिली यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी वार्डरोब्स हैं वो हमने अलग कर दी हैं। तो इस रूम के अंदर स्पेस काफ़ी अच्छी है, मास्टर बेडरूम है ये, स्पेशली आप ही के लिए, आप इजीली अपनी लाइफ को यहाँ पर एंजॉय करें। इसके साथ दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी जो बालकनी है, तो अंदर से कई बार अच्छे से नज़र नहीं आती। आप स्पेस देखिए चारों तरफ क्या बात है। और मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, यहाँ पर छोटा सा ना स्पेस हमने यहाँ पर भी दिया है, अगर इसको भी आप किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पर भी आप अपना वॉशिंग मशीन रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, एक अलग से छोटी सी स्पेस हमने आपको दी है यहाँ पर। आपके साइड में बिल्कुल पार्क है, आपको नज़र आता है, आपके साइड में एक प्लॉट रहेगा उसके बाद एक पार्क है, तो बिल्कुल आप कॉर्नर प्लॉट नहीं है लेकिन आपको फिर भी पार्क के मज़े जो है वो पूरे मिलेंगे यहाँ पर। तो बढ़ते अंदर की तरफ, दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ड्रेसिंग एरिया जी हाँ, और जो आपकी वार्डरोब्स है वहाँ भी यहीं पे हैं, बिल्कुल आपकी सीलिंग की हाइट तक है प्रॉपर, आपकी स्पेस हमें यहाँ भी पूरी मिलेगी ऊपर तक, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी कहीं पे स्पेस में आप। और यहाँ पर हमारे पास एक फुल साइज मिरर है, एक शानदार सा बड़ा सा मिरर। काफ़ी अच्छी स्पेस है जो हमने ड्रेसिंग एरिया में आपके लिए छोड़ी है यहाँ पर, और इसके साथ हमारा वॉशरूम जो अटैच है। वॉशरूम साइज दोस्तों हर जगह आपको काफी बड़े मिलेंगे। खुले डुले वॉशरूम में एक डिजाइनर, बड़े प्यारा सा डिजाइन यहां पर दिया गया है, अच्छा सा वो टॉय टाइल्स का, और साथ में जो जैगवार की फिटिंग है वो इसके और एनहांस कर देता है, मजा आता है ऐसे वॉशरूम्स के अंदर या ऐसे वॉशरूम्स को देखकर। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने घर के थर्ड बेडरूम की तरफ।
दोस्तों पहले दोनों बेडरूम्स की तरह ये भी आपका काफ़ी शानदार सा बेडरूम है। ये आपका 13x12 का रहेगा, काफ़ी खुला डुला सा बड़ा सा बेडरूम। सीलिंग पर बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। और आप देखिए दोनों तरफ आपके स्विचेस आपको दिए गए हैं, इजीली आपका बेड यहाँ लग जाएगा। जो टीवी पैनल है वो बिल्कुल सामने है। टीवी पैनल तो हर रूम के अंदर काफ़ी अच्छे लगे मुझे। यहाँ पर भी आप देखिए मेरी हाइट से भी बड़ा है, काफ़ी अच्छी हाइट है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ पर एक पूरा खुलकर जो काम आपको पूरे घर के अंदर मिलता है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि आधा अधूरा कहीं पर छोड़ गया हो, कोई कमी लगती हो, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर विंडो जो है वो हमें वो भी एल शेप में मिलती है, तो पूरी लाइट हमें यहाँ पर अपने घर के अंदर मिलती है और पूरा व्यू हमें जो स्ट्रीट का है वो पूरा मिलता है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन पूरे घर के अंदर। यहाँ पर हमारे पास वार्डरोब्स हमारी आ जाएंगी और ये भी काफ़ी साइज काफ़ी अच्छा है आपका, डीप है काफ़ी यहाँ पर भी। और दोस्तों वॉशरूम हमें यहाँ पर भी अटैच मिलेगा। दोस्तों घर के अंदर 3 बेडरूम है, वॉशरूम 4 है। एक कॉमन वॉशरूम आपका जो गेस्ट के लिए है वो भी हमें यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पर हमारा जो वॉशरूम है ये भी बड़ा शानदार सा है, लाजवाब सा डिज़ाइन यहाँ पर पूरा दिया गया है हर घर के अंदर, पूरे घर के अंदर। कॉन्ट्रास्ट के अंदर जितने भी कलर्स हमने देखे हैं पूरे बड़े अच्छे से दिए गए हैं। ये सीट आपकी वॉल माउंट है, जैगवार की फिटिंग रहेगी और साथ में जो आपका टैंक है वो आपका इनबिल्ट है, अंदर की तरफ आ जाता है, सो नज़र नहीं आता और वे कभी ख़राब भी नहीं होते, सालों साल चलते हैं, तो अच्छी चीज़ है यहाँ पर। एक खूबसूरत सा सिंक यहाँ पर फिर से जैसा हमने पहले देखा था। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 बेडरूम्स, जिसके बाद हम चलते हैं बालकोनी की तरफ। हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस है, इजीली आप यहाँ चेयर्स लगाकर बैठ सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा एरिया जो हमारा आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पर। देखिए सामने की तरफ आपके स्टेनलेस स्टील की यहाँ पर रेलिंग है, प्लस आपका जो टफन ग्लास वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लुक्स को काफ़ी एनहांस करता है, बिल्कुल डिज़ाइनर शानदार सी लुक। और यार स्पेस इतनी अच्छी है ना, आपकी पूरी रनिंग बालकनी है, पूरी 22 फुट की है, तो स्पेस ही स्पेस है। और इसके ऊपर वाला जो एरिया वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 3BHK हाउस, जो बिल्कुल शानदार सी लोकेशन के ऊपर है, एक बड़ी अच्छी लोकेशन मोहाली के बीचों बीच, और बिल्कुल रेडी घर है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को हमारे ऐसे प्यार देते रहिए। अगर आप नए हैं इस घर के इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ये हमारी रूफ आ जाएगी, काफ़ी अच्छी रूप है, जितने भी आपके एसी के पॉइंट्स हैं वो सारे ऊपर दिए गए हैं। एरिया तकरीबन आपका डेवलप्ड है पूरा। और दोस्तों छोटा सा एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो आपकी आज की अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए आपसे ज़्यादा लेता हूँ। घर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो दोस्तों इजाज़त लेता हूँ, सत श्री अकाल।